नमस्ते दोस्तों दोस्तों आजकल मार्केट में एक न्यूज़ काफ़ी पॉपुलर है, लाइक रेलवे की वैकेंसी को लेकर, है ना। हम लोग न्यूज़पेपर्स देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स सर्च कर रहे हैं जिन पे ये अटकलें लगा जा रही हैं इस बार 2.5 लाख के अप्रॉक्स रेलवे रिक्रूटमेंट निकालने वाली है। तो मैं जनरली उस वैकेंसी में से जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बारे में बात करना चाहता हूँ। बच्चों जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी करना चाह रहे हैं और जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन बच्चों को खास प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो पैटर्न्स प्रैक्टिस में नहीं है, तो उनको अपने ब्रांच ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो उनको अपना ब्रांच मोह त्यागना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये है। और जो बच्चे लास्ट ईयर एग्ज़ाम दे के एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो जिन बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैं पर्सनली उनको गाइड करना चाहूँगा, क्योंकि उनको कैसे करना स्टार्ट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम मॉड्यूल आम एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है जिसमें जेई के बच्चों को उनके डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चंस आएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बिलोंग करते हैं, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस, सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपको गाइड दे करता है जो आपको ऑल ब्रांचेस के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन का आंसर काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि हम अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और हमें मैकेनिकल क्वेश्चंस पूछे जाए, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा आंसर, है राइट। तो बच्चों ये कोई डिफिकल्ट टास्क आपके लिए ही सिर्फ नहीं है, सबके लिए है। तो इस बात को समझना होगा आपको, जो एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होगा वो सिर्फ आपके लिए टिपिकल नहीं होगा, बाकी लोगों के लिए भी टिपिकल होगा। तो इस चीज़ को आप अभी से अंडरस्टैंड करें, जिस एग्ज़ाम का लेवल आपके लिए और बाकी सबके लिए इक्वल है। अब हमारी बात आती है, हम कैसे अपने ब्रांच के अलावा दूसरे ब्रांच में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले गाइड करना चाहूँगा, जो आपका जो ब्रांच है उसके अलावा दूसरे ब्रांच की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता ही है जो फिजिक्स एक ऐसा हमारा साइंस का सब्जेक्ट है जिससे सारे ब्रांच डिस्टिंग्विश होते हैं। तो अगर बेसिक फिजिक्स आपके ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर होंगे, तो एटलीस्ट आप एग्ज़ाम में 50-60% क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कट ऑफ की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको टारगेट लेना पड़ेगा 75-80%, क्योंकि बच्चों की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, आपको पता ही है टैलेंट की, इंडिया में टैलेंट हर गली हर मोहल्ले और हर शहर में बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ काफ़ी हाई भी जा सकती है, लो भी जा सकती है, बट आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क, कट ऑफ कुछ भी जाए आप उसे सिक्योर कर सकें, इस चीज़ के लिए आपको टारगेट रखना होगा 75% मिनिमम। 75% मिनिमम की अगर टारगेट आपकी बात करते हैं, तो हमें बाकी ब्रांचेस के बेसिक सब्जेक्ट्स को भी क्लियर करना हो, अपना एक सिलेबस कवर तैयार करना होगा लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको एक मोर और लेस आइडिया लग जाएगा जो आपको किस तरह के पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं और उस अकॉर्डिंग आप कैसे अदर ब्रांच को फोकस कर सकते हैं। ये सेम चीज़ हर ब्रांच के बच्चों के लिए लागू होती है, इसीलिए आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, प्रिपरेशन को एक प्रॉपर मोटिव देने के लिए आपको अभी से ही स्टार्टअप करना होगा, कि एग्ज़ाम की कोई शेड्यूलिंग नहीं है, कोई वैकेंसी की डेट मेंशन नहीं की गई है। हो सकता है इस साल के आखिरी तक ये वैकेंसी आए, या ये भी हो सकती है नेक्स्ट ईयर ये वैकेंसी आए। तो जब भी ये वैकेंसी आए, आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, कम टाइम मिलेगा आपको। तो अगर आप विद इन टाइम स्पैन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करना होगा और अपने आप को एवोल्यूट करते रहना होगा, जिससे आने वाली वैकेंसी में आपकी पोजीशन सिक्योर हो सके। अदरवाइज एग्ज़ाम की जो टिपिकली है क्वेश्चंस का लेवल होता है काफ़ी आसान होता है, बट देखा गया है अगर आप अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं और आपसे क्वेश्चन अदर ब्रांच के पूछे जाए, तो छोटे क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी टिपिकल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप अभी से ओवरकम करना स्टार्ट करें और अदर ब्रांच के बेसिक सब्जेक्ट्स को लाइनअप करें और उनके बेसिक क्वेश्चंस को डील करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपके उन बेसिक क्वेश्चन से आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है। मैं सभी स्टूडेंट्स को जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले या कर दिया इन्होंने, उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। बाकी टाइम टू टाइम मैं आप लोगों से मुलाकात करता रहूँगा और बातें करता रहूँगा, तो चीज़ों को हम समझते रहेंगे और करते रहेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स आए, आप मुझे हमारे चैनल में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं,
और किसी भी चीज़ों की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं नीचे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फर्दर वीडियोस के लिए, जिसमें मैं आपको और गाइडलाइंस अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। आपका दोस्त रवि कुमार मिश्रा, थैंक यू।